हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज अपने गार्डन की अपडेट देने वाले हैं, काफ़ी टाइम से दी नहीं थी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ गुलाब खिल रहे हैं देसी वाले। तो गुलाब के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, जब फूल निकल जाएँ तो उसको वहाँ से कट कर दें, उस एरिया से। ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार कट करना है फरवरी में, या जब भी फूल निकलते हैं उसके बाद से कट कर देना। जैसे मैंने यहाँ से कट किया है, एक यहाँ से कट किया है, अभी एक यहाँ से कट किया है, जितने भी निकले थे सबको कट कर दिया है। कट करने के बाद गुड़ाई करके उसमें थोड़ी सी खाद ज़रूर डालनी है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। गुलाब को तो मैं अलग अलग खाद देती रहती हूँ, हर 20 दिन में, 25 दिन में कुछ अलग अलग। तो ये हमारे मैरीगोल्ड का प्लांट है, अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन ये देख पा रहे होंगे आप, ये फूल इसके ज़्यादा हैवी से हो रहे हैं, तो ये गिर रहे नीचे। इसका मतलब इसमें थोड़ी सी कैल्शियम कमी आ रही है अभी, तो इसे कुछ देना पड़ेगा ताकि ये होल्ड कर पाए अपने फूलों को। ये दूसरा कनेर का प्लांट है, तो ये भी अच्छे से चल रहा है। बाकी इधर ये सारे गुलाब हैं हमारे, जिन पे फूल आ गए उन्हें मैंने अच्छे से कट कर दिया है और साफ लगा दिया है। ये हमारा वो स्वीट एलाइसी ग्रोइंग कर रहा है कुछ। इधर मैंने ये कुछ सीडलिंग लगाई है, तो इसमें कुछ खरबूजा लगाई हमने, तो कुछ ऐसी स्थिति है इनकी। बाकी ये थूजा पे नई नई ग्रोथ चालू हो गई है। इस पर ये अगर ये ऐसे बीज आ रहे हो तो इन्हें हटा दें, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे से, ये बड़े से दिखेंगे, तो इससे क्या है पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी, ज़्यादा इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारा कॉपर लीव्स है। इधर कुछ ये पिटूनिया भी खिल रहे हैं अच्छे से, बस इन्हें पानी तो रोज़ ही देना है। इधर गुड़हल है हमारे, जो प्रूनिंग के बाद का कुछ ये हाल है इनका, अच्छे से चल रहे हैं अभी। ये नीचे गजानिया लगा रखा है हमने, तो गजानिया पे एक बार फूल आ गए हैं, फिर अभी इसमें दोबारा से ये बडिंग होने लग गई है। ये खूब सारे निकल रहे हैं अंदर से। इधर ये खिलने वाले हैं फूल। तो अगर गजानिया को आप पूरे साल रखना चाहते हैं तो अभी तो इसे धूप में रहने दें, DAP और सरसों की खली डालें इसमें, हर 20-25 दिन में डालें। और क्या कहते हैं, ये साल भर रहेंगे अगर आप इनकी केयर करेंगे तो। ये भी अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं, खिल रहे हैं कुछ फूल, तो मैंने पूरे धूप में रखा हुआ है इनको। ये मैं दिखाना चाहूँगी इसको, ये हमारा गुड़हल है देसी वाला, जो मैंने कटिंग से लगाया था, तो इस पर फूल आने वाला है, और मुझे भी नहीं पता है किस कलर का है, जब आएगा तो पता चलेगा। ये हमारा दूसरा वाला थूजा है, ये मैक्सिकन पिटूनिया है लॉन्ग वाला, जो कि इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ ऐसे फूल आएंगे इसमें और शाम तक ये चले जाते हैं। ये हमारा दूसरा वाला थूजा है, तो इसके मैंने कुछ तो ये हटा दिए थे, अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये, बढ़िया है। ये हमारा इधर लगा है 9 o'clock, जिसके मैं तैयार कर रही हूँ अभी दूसरे प्लांटों में प्लांटिंग करने के लिए। इधर मैंने ये अरबी लगा रखी है, तो अरबी अच्छे से चल रही है हमारी। इधर ये हमारा बैंगन का पौधा है, कुछ ऐसा हाल है। इस पर फूल आए थे तो मैंने हटा दिए थे, क्योंकि ये पौधा अभी छोटा है, तो इसलिए अगर आपके पास ये इस टाइप का बैंगन का पेड़ है तो ये हटा दें अभी, क्योंकि इसे अभी बड़ा होने दें, और नीचे नीचे से इस तरीके से ये हटा दें, ताकि ये थोड़ा सा हाइट में आएगा ना, उसके बाद अच्छी फ्रूटिंग करेगा। ये वही हमारे देसी वाले गुड़हल है। इधर हमारा करी लीव्स है, इसमें फूल बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपने लगा रखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसे लगा सकते हैं अभी। इधर कुछ नीचे रेड लिली लगा रखी है, अमरस लिली, तो इन पे अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है,
और कुछ दिनों में इनमें फ्लावर स्टॉक आनी चालू हो जाएंगी। किसी किसी में निकल भी रही है थोड़ी बहुत। तो ये कुछ हमने इधर लगा रखा है, सेम सीड से ग्रो करा है, सेम फली जिसे बोलते हैं ये। तो अभी पानी नहीं दिया इसलिए थोड़ी सी मुरझाई हुई है। ये हमारा नींबू का बीज से ग्रो करा हुआ पौधा है, तो इसमें इस बार फ्लावरिंग ये ऐसी कुछ हो रही है, बाकी आगे जो भी होगा दिखाएंगे आपको। बाकी इधर ये हमेलिया का है, इधर ये हमने लगाए हैं कुछ, खीरा लगाया है, इसमें एक ककड़ी है, एक में खरबूजे लगाया है, और इधर कुछ और भी जर्मिनेट हो रहे हैं, इनमें करेला, ककड़ी, लौकी, वो सब लगाया है। उधर एक और हमारा बैंगन का पौधा है छोटा सा, जिसको हमने ग्रो बैग में डाल दिया अभी, तो वो भी अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है अभी। इधर ये टमाटर है हमारे, बाकी ये इधर अमरूद का पेड़ है। तो ये बीज से ग्रो करा हुआ है, बाकी कंडीशन तो बढ़िया है इसकी। ये हमारा, तो उस पर बैंगन ठीक से दिखाना चाहेंगे, उस बड़ा पौधा है तो उस पर बैंगन 4-5 आ रहे हैं इकट्ठे ही। तो ये कुछ हमारे टमाटर के प्लांट जो कि कितने लंबे हो गए हैं। ये हमारा सबसे पुराना वाला है प्लांट, इसको मैंने नीचे से बिल्कुल कट कर दिया है सारे इसकी पत्तियाँ। ये अभी भी फूल दे रहा है अच्छे से, और ये फ्रूटिंग भी इसको हो रही है। कल इससे हमने कुछ टमाटर हार्वेस्ट भी कर लिए थे जो पक गए थे, बाकी इसने अभी पहली बार ये टमाटर ये देने चालू करे हैं, पहली बार इसमें फ्रूटिंग हुई है इस वाले पे, जो कि शायद ये जनवरी में हमने करा था इसको रिपोर्ट इस गमले में। ये भी जनवरी में करा था, ये भी पहली बार ही फ्रूटिंग देगा। इसमें दो पौधे लगे हुए हैं। तो ये हमारे एक और बैंगन का पेड़ है जिस पे बैंगन आ रखे हैं, ये कुछ इस साइज के हो गए, तीनों हम तोड़ ही देते हैं। तो कुछ ऐसे हैं, इनका साइज अच्छा है। फिर ये हमारा टंकी वाले टमाटर है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रिपोर्ट नहीं कर पाए थे सर्दियों के चक्कर में, तो आप देखना चाहेंगे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। मैंने तो सोचा था ये खट्टे लग गए हैं एक ही जगह, तो शायद इतना अच्छा इनका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप देख पाएंगे इनका साइज। ये इतना ज़्यादा लोडेड हो गया कि उठ ही नहीं रहा ये, तो इसे ऐसे ही रख दिया मैंने। जब मैं इसको सही कर रही थी तो कई टूट भी गए हैं इसके टहनियाँ, खूब सारे टमाटर भी टूट गए हैं। तो मेरी एक परेशानी ये है कि इसमें मैंने अनार लगा रखा है, अब ये अनार की फ्रूटिंग का टाइम है, तो इस पर फूल भी आ रहे हैं और फूल झड़ भी रहे हैं, क्योंकि टमाटर के चक्कर में मुझे पानी रोज डालना पड़ रहा है, और जब फूल आते हैं तो पानी हमें कम देना होता है किसी भी फ्रूटिंग प्लांट पे। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे इस बार अनार। अब मैं टमाटर को तो हटा नहीं सकती इस बार, क्योंकि अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इधर आप देखना चाहेंगे इस साइड पूरी टंकी में फैल गए हैं ये। ये वाटर टैंक का हाफ कट करके मैंने इसमें लगा रखा है जिसमें अनार लगाया था, तो इसी में ये बहुत सारे पौधे हैं। अंदर करके दिखाते हैं आपको, तो इतने सारे टमाटर लगे पड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पे अनार पे फ्रूटिंग हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से कल थोड़ा सा कुछ प्लांट को हटाया भी है, नीचे से साफ़ किया इसको। अब मैं इसमें खाद डालूँगी दोबारा से, और पानी तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि टमाटर को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। चलो अगर किसी को पता हो क्या कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो भी होगा आपके साथ हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो इधर का एरिया मैंने अभी क्लीन कर दिया, यहाँ से सारे प्लांटर हटा दिए। आप भी ऐसा करें जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि इनके नीचे चींटियाँ आ जाती हैं और सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए कुछ ऐसा ही है यहाँ का, अभी खाली कर दिया इधर। इधर जेड की कटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। ये नाग चंपा पे भी सूट्स आना चालू हो गए, इन पे तो अभी नहीं आए हैं। बाकी ये मेहंदी को कट करा था हमने, इसको प्रूनिंग के बाद का कुछ इसका ऐसा कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया है ये नीचे से इतनी बढ़िया ग्रोथ हुई है इसकी, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके लीव्स का साइज़ बहुत अच्छा है, तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें। प्रूनिंग करने के बाद एक चम्मच इसमें राख डाली थी, बूडेस जिसे बोलते हैं, और आधा चम्मच DAP डाला था। बाकी इसे भर भर के पानी दो, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपका मेहंदी का प्लांट बीज से भी हो जाता है और कटिंग से हो जाता है। ये हमारा बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो इसी के साथ अब हम बाय बाय बोलते हैं आपको। तो बाकी के प्लांट हम दूसरे ओवरव्यू में दिखाएंगे, दूसरी अपडेट देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हमारे वीडियो देखते रहिए और पौधे ज़रूर लगाएं।